बड़ी ईद सर पर पहुंच गई। जिसने जानवर नहीं लिया वो मवेशी मंडी पहुंच गया। व्यापारियों की नजरें खरीदारों की जेबों पर, खरीदार भी मुनासिब दामों में बेहतरीन जानवर घर ले जाने के ख्वाहिशमंद। मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह नहीं। बच्चों ने कुर्बानी के जानवरों की खिदमत में दिन रात एक कर दिया। बड़े छुरियां और टोके तेज कराने में मसरूफ, खाबों के लिए मसालों और बारबेक्यू बनाने वाली अशिया की दुकानों पर भी रश लग गया। मजे मजे के पकवान तैयार करके अजीजों अकारिब को मधु किया जाएगा। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों की रौनकें उरूज पर पहुँच गयी। बादलों ने भी बड़ी ईद मनाने की तैयारियां कर ली। कहीं जमकर बरसेंगे, कहीं कम और कहीं सिर्फ गरजेंगे। बड़ी ईद ठंडी गुजरेगी। महकमे मौसमियात ने खुशी की खबर सुना दी। ईद की छुट्टियों में लोड शेडिंग की छुट्टी भी मंजूर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में नमाज ईद के रुख परवर इज्तिमाआत। लाखों मुसलमानों की शिरकत, उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। अमरीका, फ्रांस और बरतानिया समेत यूरोप के कई ममालिक में भी ईद। अल्लाह के मेहमानों पर रहमत बरस रही है। मिना में रमी जमरात। हुज्जाजे कराम ने शैतान को कंकरियां मारी। कुर्बानी करने वाले हुज्जाज ने सर मुंडाने के बाद अहराम खोल दिए। मुल्क की सियासत में गर्मी लाने के लिए नथिया गली के ठंडे मकाम पर इमरान खान और शेख रशीद की मुलाकात। अहम मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं का रायवन जलसा करने पर इत्तेफाक। कप्तान के बगैर प्रोटोकॉल नथिया गली की गलियों में चहलकदमी। शहरियों ने इमरान खान के साथ तस्वीरें भी बनवाई। जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ के रायविंड जलसे में ना जाने का ऐलान। सिराजुल्लाह कहते हैं रायविंड जलसा पीटीआई का अपना फैसला है, मुशावरत नहीं की गई। जलसे में नुमाइंदा ना भेजने का फैसला किया है। किसी के घर के सामने जलसा करना हमारी रिवायात के खिलाफ है। एक वादा था कि वो हज पे तशरीफ ले जाएंगे, दूसरा वादा था कि वो रायविंड भी तशरीफ ले जाएंगे। अपने रब से एक वादा किया था उन्होंने, शैतान के साथ उनका मुकमका हो गया। परवेज रशीद के कप्तान और शेख रशीद पर तेज बाउंसर्स। कहते हैं इमरान खान ने हज पर जाने का वादा किया, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। लगता है इमरान खान का शैतान से मुकमका हो गया। अलीम खान ने परवेज रशीद को शैतानी कुव्वतों का सरदार करार दे दिया। कहते हैं उनके 900 चूहे पूरे हो चुके, आइंदा साल इमरान के साथ हज पर जाएं। अलीम खान का वफाकी वजीर इत्तला'आत पर जवाबी वार। कहा एहतजाज पुरअमन होगा, हुकूमत या पुलिस ने मुदाखलत की तो मुज़ाहमत होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की सेहत से डॉक्टर्स मुतमईन। मुआलिजीन ने 4 दिन के आराम का मशवरा दे दिया। जमात इस्लामी के वफ्द ने फारूक सत्तार की अयादत की। हाफिज नईमुर रहमान की फारूक सत्तार की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। फारूक सत्तार की गाड़ी हैदराबाद से कराची आते हुए हादसे का शिकार हो गई थी। भारतीय सफाकियत की इंतहा। मकबूजा वादी में ईद के रोज भी कर्फ्यू नाफिज रखने का ऐलान। ईद के मौके पर मकबूजा वादी में हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और दीगर फोर्सेस की मदद से निगरानी की जाएगी। 3 माह से जारी भारतीय बर्बरियत से 90 से ज्यादा कश्मीरी शहीद और 8,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। भारत में दरियाए कावेरी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु का तनाजा तूल पकड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया था। पानी फराहम ना करने के खिलाफ कावेरी के इलाकों में जबरदस्त एहतजाज और तोड़फोड़। मुजाहिरीन ने 20 बसों को आग लगा दी। लाहौर पुलिस का खातून पर तशद्दुद का मामला। डीआईजी ऑपरेशंस ने चौकी बेगम कोर्ट के एएसआई और मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया। गुज़श्ता रोज थाना शाहदरा की चौकी बेगम कोर्ट में पुलिस अहलकारों ने खातून पर मुबैना तशद्दुद किया था।
रूस और चीन के दरमियान मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज हो गया। ये मशकें चीन की समुद्री हदूद में जारी हैं, जिनमें दोनों मुल्कों के जंगी बहरी जहाज, जदीदा दोजें, लड़ाका जहाज और बहरी फौजियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। खसूसी मशकें 8 रोज तक जारी रहेंगी। और अमरीकी डांसर्स ने चीन के पहाड़ों पर ऐसा रक्स किया कि देखने वाले खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। अमरीकी नौजवानों के ग्रुप ने न सिर्फ चीन के पहाड़ों पर रक्स की मशकें की बल्कि क्लिफ डांस का ऐसा मुजाहरा किया कि लोग दिलकश सियाहती मकाम पर इकट्ठे हो गए।